आप गूगल डायलर को अपने मोबाइल फ़ोन से अनइंस्टॉल करना चाहते हैं, आप गूगल डायलर को अपने मोबाइल फ़ोन से परमानेंटली अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अनइंस्टॉल करने के लिए आपको यहाँ पे जो मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा अनइंस्टॉल करने के बारे में, आप अनइंस्टॉल करके अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर MIUI का डायलर, ओप्पो का डायलर, रियलमी का डायलर, किसी भी फ़ोन का जिसमें गूगल डायलर आता है, आप उसमें अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर सकते हैं और बड़े आसानी से आप उसमें चला सकते हैं ऑफिशियल डायलर को, गूगल डायलर को अनइंस्टॉल करके। लेकिन आपको यहाँ पे जो सेटिंग मैं आपको बताऊँगा, जो इसमें करना है उसके बारे में बताऊँगा, आपको वीडियो को ध्यान से देखना है बिना स्किप किए हुए, स्किप करते हैं आप इसके बारे में नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं आपको कैसे अनइंस्टॉल करना है गूगल डायलर। सबसे पहले आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके आप सभी को ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देना है, जिससे आपको मेरे सभी हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जैसे हम वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं, आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आपको एक यहाँ पे कमेंट करना है, कमेंट बॉक्स में आपको यहाँ पे टाइप कर देना है, टाइप में आपको लिखना है, आपको कमेंट बॉक्स में गूगल डायलर लिख के आपको इस तरह कमेंट यहाँ पे दिखेगा, आपको इस तरह कमेंट कर देना है। उसके बाद आप सभी को अपने मोबाइल फोन के अंदर गूगल प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे एक सर्च बॉक्स दिखाई देगा, आपको यहाँ पे सर्च बॉक्स में आपको यहाँ पे टाइप करना है, टाइप में आपको लिखना है ES फाइल एक्सप्लोरर, आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद आपको सर्च कर लेना है, आपको यहाँ पे बहुत सारी ES फाइल एक्सप्लोरर आपको यहाँ पे दिख जाएंगी, आपको मैं जो बताऊंगा आपको उस फाइल एक्सप्लोरर को आपको इंस्टॉल करना है। आप यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे, आपको यहाँ पे नीचे जाना है, आपको यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर EX पे आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। आप सभी को इस एप्लीकेशन का पहले टर्म एंड कंडीशन पढ़ना है, फिर जाके आप सभी को इस ऐप को अपने मोबाइल फोन के अंदर इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे जो भी परमिशन आपसे मांगता है, आपको सारा परमिशन अपने हिसाब से दे देना है। पहले आपको टर्म एंड कंडीशन पढ़ लेना है, फिर आप सभी को अपने मोबाइल फोन के अंदर ES फाइल एक्सप्लोरर को आपको अपने मोबाइल फोन के अंदर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप सभी को यहाँ पे एक इंसान जैसा आपको यहाँ पे दिखेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे बहुत सारी ऐप आपको यहाँ पे दिख जाएंगी, आपको यहाँ पे क्लिक करना एरो पे, यहाँ पे सिस्टम वाले ऐप पे आपको क्लिक कर देना है, तो चलिए सिस्टम वाले ऐप पे क्लिक करते हैं। आपको हर एक स्टेप ध्यान से देखना है, कहीं पे स्किप नहीं करना है। फिर आप सभी को यहाँ पे एक सर्च बॉक्स दिखाई देगा, आपको यहाँ पे इस वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है, फिर आपको यहाँ पे सर्च बॉक्स में आपको यहाँ पे टाइप करना है। मैं आपको इस तरह बता दूं, क्योंकि आप इसमें ढूंढते रह जाएंगे एप्लीकेशन नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पे सर्च बॉक्स में आपको यहाँ पे टाइप करना है फोन, इस तरह आपको यहाँ पे फोन आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है, जिस तरह मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। आपको यहाँ पे दिखेगा फोन, आपको इस पर क्लिक कर देना है, सिंपल सा आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देते हैं, आपको यहाँ पे दिख जाएगा पैकेज का नेम, पैकेज के नेम पे आपको यहाँ पे दिखेगा com.google.android.dialer, आपको इस तरह यहाँ पे दिख जाएगा। आपको यहाँ पे नीचे दिखेगा अनइंस्टॉल, आपको अनइंस्टॉल पे क्लिक करना है। जैसे अभी सर क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पे पूछेगा आपसे ये आप अनइंस्टॉल करना चाहते हैं या आप नहीं करना चाहते हैं। यदि आप अनइंस्टॉल करना चाहते हैं, आपको सिंपल सा ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हैं, आप सभी के मोबाइल फ़ोन के अंदर गूगल डायलर अनइंस्टॉल हो जाता है इस तरह। आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।